कान में ईयरफोन्स डाल लो, क्या डाल हेलो गाइस। सो गाइस, आपने अभी जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं उसी टाइप का आज हम आपको स्टेटस क्रिएट करके दिखाएंगे गाइस। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना तभी आप अच्छे से बनाना सीख पाओगे, ओके गाइस। और गाइस इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गाइस जो सॉन्ग और बीट मार्क शेक इफेक्ट प्रीसेट देता हूँ, तो गाइस जैसे आप बीट मार्क को ऐड करते हैं तो आपको सामने ओनली बीट आता है, सॉन्ग नहीं आता। तो गाइस सॉन्ग मैं टेलीग्राम पर भी डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अभी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ओके गाइस। तो गाइस वीडियो बनाने के लिए अपने को एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी, तो अलर्ट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो गाइस आप जैसे अलाइट मोशन ऐप को ओपन करोगे तो देख सकते हो तो नीचे ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो सॉरी प्लस के साइड में एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो फाइनली मैंने बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लिया। सो बीट मार्क को ओपन करने बाद अब अपने को यहाँ पे फोटोज को एड करना, तो प्लस पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो में जाना, व्यू वेल पे क्लिक करने बाद फोटो को सिलेक्ट कर लेना, ओके गाइस। और गाइस मैं इस वीडियो में जो भी फोटो यूज़ करूँगा सभी फोटो की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अगर ज्वाइन नहीं करो तो ज्वाइन कर लेना, ओके। तो फोटो सेलेक्ट करने बाद इस वाले एरो पे क्लिक कर देना है, तो नेक्स्ट बिट तक ये आ जाएगा यहाँ तक। देन इसका आगे का पार्ट रिमूव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आगे का पार्ट रिमूव हो जाएगा और ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करने बाद फोटो को फुल स्क्रीन कर लेना है। फिर से नेक्स्ट फोटो सेलेक्ट करने बाद प्लस पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो में जाना, व्यू वेल पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट फोटो को ऐड कर लेना। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो गाइस नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट कर लिया, फिर से प्लस पे क्लिक करना है और फिर से इस वाले एरो पे क्लिक करना, तो नेक्स्ट बिट तक आ जाएगा। देन आगे का पार्ट रिमूव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करना, फुल स्क्रीन कर लें। तो गाइस आपको इसी तरह सभी फोटो एक साथ ऐड कर लेना, तो मैं आपको एक साथ सभी फोटो ऐड करके दिखाता हूँ, ओके। सो गाइस देख सकते हो मैंने आप सभी फोटो को ऐड कर लिया, तो आपको भी सभी फोटो इस तरह से जैसे बीट लगे वैसे ही बीट के हिसाब से सभी फोटो को ऐड कर लेना, ओके। तो गाइस यहाँ पे फोटो को ऐड करने के बाद इन फोटो में अपने को शेक इफेक्ट को ऐड करना, तो शेक बैग आ जाना और शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इफेक्ट है उस वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्रू मैंने इस वाले इफेक्ट को कॉपी इफेक्ट कर लेना। सो कॉपी इफेक्ट करने बाद फिर से बैग आ जाना और फिर से बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना। सो गाइस जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे अपने को फोटो पे आना है और फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्रू मैंने इसे पेस्ट कर लेना। सो गाइस सबसे छोटी लेंथ फोटो के उसी फोटो में जो फर्स्ट वाले इफेक्ट को अपने को पेस्ट करना है, तो देख सकते हो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको भी करते जाना, ओके गाइस। और हाँ गाइस वीडियो को आप देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग एडिटिंग वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो अगर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आपके सारे दोस्तों में शेयर कर देना, ओके गाइस। तो गाइस आपको इस तरह से यहाँ तक कर लेना, देख सकते हो ये यहाँ तक, ओके गाइस 2.32 तक आपको ये वाला फर्स्ट वाला इफेक्ट को पेस्ट करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ गाइस, तो आप भी कर लेना, ओके। सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले इफेक्ट को यहाँ तक अप्लाई कर लिया हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो इन दो फोटो की लेंथ काफ़ी बड़ी दिख रही है इन फोटो की, तो इन फोटो में नहीं अपने को पेस्ट करना है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो दो फोटो की लेंथ फिर से छोटी है, तो इस वाले फर्स्ट वाले इफेक्ट को इन दो फोटो में पेस्ट कर देना है। सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया हूँ, फिर से इधर आगे स्क्रॉल करना है और फिर से देख लेना है कौन सी फोटो की लेंथ छोटी है, तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से इन दो फोटो की लेंथ छोटी है, तो फिर से इन दो फोटो में ये वाले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। देन पेस्ट करने बाद फिर से आगे स्क्रॉल करके देख लेना है, तो फिर से यहाँ पे दो फोटो में है। तो गाइस आपको इसी तरह से जितनी फोटो की लेंथ छोटी दिखे उन्हीं फोटो में पहले इफेक्ट को अपने को पेस्ट कर लेना, ओके। जो पहला इफेक्ट होता है उन्हीं फोटो में पहले इफेक्ट को पेस्ट कर लेना, ओके। मतलब कि जो फोटो की लेंथ छोटी होती है उन्हीं फोटो में जो पहला इफेक्ट पेस्ट कर लेना। तो आप मैं थोड़ा आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ गाइस, एक एक फोटो में करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ओके। सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फोटो में ये पहले इफेक्ट को अप्लाई कर लिया, तो आपको भी कर लेना है। देन फिर से बैग आ जाना और फिर से शेक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन करना है। अब जो दूसरा इफेक्ट बचा हुआ है ये वाला, तो इस वाली फोटो पे क्लिक कर देना और इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में इस वाले इफेक्ट को भी कॉपी इफेक्ट कर लेना है और फिर से बैग आ जाना और फिर से बीट मार्क वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना, ओके गाइस। तो यहाँ पे आना है कहाँ देख लेना है, इधर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो लंबा बिट लगा है गाइस यहाँ पे फोटो की लेंथ काफ़ी बड़ी, तो इस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में इसे पेस्ट कर लेना है।
तो आपको इस तरह से देख लेना है। यहाँ पे अभी जो जैसा अब जो जितनी फ़ोटो बची हुई उन सभी फ़ोटो में इस वाले इफेक्ट को अपने को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो आपको मैं थोड़ा जल्दी से करके दिखाता हूँ गाइस, आप अच्छे से ध्यान से एक एक फ़ोटो में कर लेना गाइस। ओके अभी वीडियो बचा हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके गाइस, तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर लिया। जैसे आप इफेक्ट को पेस्ट करते हो तो यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो चुका है गाइस। आप अपने चैनल का लोगो लगा लीजिएगा, मैं नहीं लगा रहा हूँ। ओके, तो आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को आपके सारे दोस्तों में शेयर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।